मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश को लेकर गरमाई सियासत, विधानसभा अध्यक्ष ने किया समर्थन, कहा जनता से भी रायशुमारी की जरूरत, भूपेंद्र गुप्ता बोले सदन में नीति बनाकर वो विंध्य प्रदेश का फैसला। विधानसभा के घटते समय पर मंत्री रविंद्र चौबे का तीखा जवाब, बोले विपक्ष भागेगा तो कैसे बढ़ाएंगे कार्यवाही, सरकार की तरफ से हमारी तैयारी पूरी। आदिवासियों की मौत पर छत्तीसगढ़ में संग्राम जारी, रामविचार नेतान के बयान पर रविंद्र चौबे का पलटवार, कहा केंद्र की टीम का करेंगे स्वागत, नेतान के आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। राजगढ़ में दलित की शादी में दबंगों का हमला, डीजे बजाने से गुस्साए दबंगों ने की तोड़फोड़, 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 11 गिरफ्तार। News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर, राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित गांव में चमकेंगे भविष्य के सितारे, नौनिहालों को मिलेगी शिक्षा, 10 साल बाद वेतेगांव स्कूल में वापस अटैच की गई शिक्षिका। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग, बजट में मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की दी चेतावनी। कोरबा में सड़क पर गिरने वाले राखड़ से उड़ने वाली धूल से लोगों को हो रही परेशानी, लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई करने की अपील। शहडोल के कुबेरी तिराहे के पास भीषण सड़क हादसा, गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, 3 लोग घायल। बिलासपुर में डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, हिर्री पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में पब्लिक प्लेस पर बंदूक लहराने वाले 2 लोग गिरफ्तार, सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। दुर्ग में बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी पकड़े गए, दोनों के कब्जे से 8 से ज्यादा बाइक बरामद। झाबुआ से सटे हेलीपैड एरिया में तार फेसिंग में फंसे तेंदुए की मौत, वन अधिकारियों ने की तेंदुए की मौत की पुष्टि, वन विभाग द्वारा लगाए तार फेसिंग में लगे तारों में फंसकर हुई तेंदुए की मौत। रायगढ़ के तहसील कार्यालय में हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी अधिवक्ता गिरफ्तार, गिरफ्तार हुए आरोपी को भेजा गया रिमांड पर। सीधी में रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई, पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा। ओरछा में पुलिस ने बड़ी लूट का किया पर्दाफाश, शादी समारोह के दौरान बड़ी ही चालाकी से हीरे और सोने के करीब 30 लाख कीमत के जेवरात ले उड़े थे चोर। महासमुंद के सरायपाली पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी को हिरासत में लेकर और पूछताछ जारी। विदिशा में 45 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, फांसी का फंदा गले में फंसकर 2 मंजिला मकान से कूदा, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव में बाइक सवार को कट मारने से मना करने पर पुलिस आरक्षक को बाइक सवार ने पीटा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विदिशा के हुसैनपुर में मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, खदान धंसने से जेसीबी ऑपरेटर की मौत। रायगढ़ में निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से 1 व्यक्ति की हुई मौत, नागरामुड़ा इलाके में हुआ हादसा। बिलासपुर में तेंदुए का शिकार करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास तेंदुए का पंजा और नाखून जब्त। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला युवक गिरफ्तार, शादी करने से मुकरने के बाद पीड़िता ने FIR दर्ज कराई थी। सलमान खान ने लता मंगेशकर की याद में गाया गाना, कहा लता जी जैसी ना कोई था ना कोई होगा। छोटी गंगूबाई बनकर इंटरनेट पर छाई बच्ची आलिया भट्ट की एक्टिंग की, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की डायलॉग बोलते नजर आई बच्ची। डायरेक्टर बोनी कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म
वली मई का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। श्वेता तिवारी का फोटोशूट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, ब्लैक ड्रेस में श्वेता तिवारी ने दिए दमदार पोज। एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के बीच हुआ समझौता, फ्लाइट कैंसिल होने पर दूसरी एयरलाइंस से भी कर सकेंगे सफर, यात्रियों की परेशानी हुई कम। अब लोकल ट्रेन में रेल यात्री उठा सकेंगे मुफ्त इंटरनेट का लाभ, कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा के तहत शुरू की सुविधा। क्रिप्टो करेंसी के दाम में अपडेट, बिटकॉइन और इथेरियम सहित कई क्रिप्टो करेंसी में आज आई गिरावट। लोगों में चढ़ा नई महिंद्रा का बुखार, 4 महीने में 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले, 3 घंटे में 50,000 से ज्यादा बुकिंग हुई।